हेलो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने चैप्टर वन की शुरुआत की थी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसमें मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था कि मैटर विच कैन एनी थिंग विच हैविंग अ डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाइज दिस स्पेस इज टू बी कॉल्ड मैटर फिर हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन भी किया था प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स फिर एलिमेंट कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में फिर कंपाउंड को भी हमने बात किया था कि मॉलिकुलर कंपाउंड क्या है है ना तो यहाँ पर हमने ये क्लासिफिकेशन पूरा देखा था आपको याद है हम लोग आगे चलते हैं हमने फिर प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ मैटर्स के बारे में बात की थी मेजरमेंट कैसे होते हैं फिर हमने यूनिट्स का भी कुछ कंसेप्ट देखा ये कंसेप्ट फिजिक्स में भी आया था एसआई यूनिट मीन्स व्हाट सीजीएस यूनिट मीन्स व्हाट हम लोग ये पूरा देख के आगे एक क्वेश्चन भी हमने बनाया था कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि कन्वर्ट डिग्री फेरानाइट इंटू डिग्री सेल्सियस और डिग्री वाइस वर्षा तो ये आपको ध्यान में रखना है ये इक्वेशन डेट इज अगर किसी ने बोला कि आ, मुझे 37 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर है तो कितना फेरानाइट में है बॉडी टेम्परेचर तो आप यहाँ 37 सेवन वैल्यू डालो तो यू फाइंड इट इट एट नाइंटी डिग्री के करीब करीब आपको आंसर मिलेगा इसका ओके सो so, केलविन ये हमने सब कुछ देखा और हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो है लॉप केमिकल कॉम्बिनेशन तो लॉप केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा बहुत आ, इसके पहले भी हमने कवर किया था आई रिसीव सम फीडबैक कि सर लॉब थ्री और फोर नहीं समझ में आ रहा है तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो वी आर गोइंग टू यूज अ टू डिफरेंट स्क्रीन लाइक दिस वन इज वन स्क्रीन एंड दिस इज अनदर स्क्रीन तो जब मुझे लगा तो हम लोग इस पर एक्सप्लेन करेंगे अब लॉप केमिकल कॉम्बिनेशन आपको क्यों जरूरी है क्योंकि हम लोग यहां पर एलिमेंट्स को कंबाइन कम, करके कंपाउंड बनाने वाले हैं दैट मीन केमिकल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं एंड फॉर दैट रीजन हमें लॉप केमिकल कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है ठीक है तो हम लोग यहां पर बात करते लॉप केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें आपको क्या क्या बात करना है बिकॉज वी आर डीलिंग ओवर हियर हम लोग बात करने वाले कि हम लोग एलिमेंट जैसे एच टू प्लस ओ टू ऐसे मिला के हम लोग एच टू ओ बनाने वाले है. तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन तो ये कैसे होगा किस वे से होगा एंड फॉर दैट रीजन वी नीड टू डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो सबसे पहला वाला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखो ये वाला है ना तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमने ऑलरेडी देखा और ये इजी भी है समझने के लिए ओके okay? तो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये बहुत सिंपल सा लॉ है दैट मीन्स अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग करने की कोशिश करते हैं और वो केमिकल रिएक्शन में किसने दिया ये भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जहां पर आप देखोगे एंटोनी लैनिजियर सर ने दिया था ये मैंने इसको आपको बोला था अंडरलाइन करके रखना रेफर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री सो हु इज एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ठीक है तो इन्होंने क्या बोला है कि जो मास आपका रिएक्शन का रिएक्टेंट का है वही आपका दैट मीन्स मास ऑफ टोटल मास अगर हम लोग बात करेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इनका ये बोलना था टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दैट मींस मास ना बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय तो ना तो हम लोग इसको बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो नॉट क्रिएटेड And nor be destroyed. So, हम लोग ये कर नहीं सकते तो टोटल मास ऑफ द रियक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट तो टोटल मास ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ओके सो टोटल मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट यहां पर भी हम लोग वही बात कर रहे हैं कि देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेड इज इकुल मास ऑफ प्रोडक्ट और यहां पर लिखा है कि मास नाइ कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉइड दिस इज गिवन बाई द वट वी के लॉफ कंजर्वेशन ऑफ मार्स गिवन बाई एंटोनी लैन इज व्यू इज टू बी रेफर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री नो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन डेफिनेट प्रपोर्शन का भी हम लोग बात करेंगे कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन किसने दिया है तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन दिया है लेट्स सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे ना ये भी आपको समझ में आसान सा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन एंड दिस इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिर से तो दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट सर यहां आप देखो फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट सर ने दिया है अब इन्होंने बहुत सिंपल वे में समझाया है कि अगर हम लोग डेफिनेट uh, प्रपोर्शन uh, के बारे में बात करें और कोई कंपाउंड के बारे में बात हैं क्योंकि एलिमेंट कंबाइन कंबाइन होके कंपाउंड बनाने वाला है तो मैंने एग्जांपल लिया था एन का है ना तो हम लोग यहां लिखते हैं कि जोसेफ सर ने ये दिया है ठीक है और हम एग्जांपल हमने लिया था एन का लेटस कंसिडर की एन मैंने लैब में बनाया एनए सॉलिड प्लस क्लोरिन गैस मिलाकर ठीक है सीएल ट्वाइस Na तो यहाँ मुझे बना NaCl है ना ट्वाइस NaCl और यही अगर मैंने ये लैब में है ना और यही मैंने नेचुरली नेचुरली का मतलब हम लोग बोलेंगे कि सी वाटर से निकाला तब आने NaCl मिला मुझे तो व्हाट डेफिनेट प्रोपल्शन का मतलब क्या है जोसेफसन ने बताया कि NaCl आप नेचुरली लो या NaCl आप लैब में सिंथेसिस करो कंपोजिशन उसका NaCl ही रहेगा

परसेंट ऑफ कार्बन इज थर्टी एट पॉइंट नाइन अब ये परसेंटेज तो इन्होंने बता दिया अब ये एग्जैक्टली exactly कैसे निकला परसेंटेज ये भी मैं आपको यहां समझा दू कंसीडर एग्जांपल ऑफ एनएसीएल अगेन एन का मॉलिकुलर वेट कितना है ये देखो सोडियम तेईस और क्लोरीन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो टोटल अगर आप निकालो इसको इसको uh, करके देखो दैट मीन इसमें ट्वेंटी फाइव थ्री एट

Uh, अगर ये हंड्रेड परसेंट है तो एन ए कितना शेयर बियर करता है तो सिंपल सा काम है द परसेंट ऑफ एन इज इक्वल टू वॉट एवर द मॉलिकुलर वेट ऑफ एन ए डिवाइडेड बाय टोटल वेट जो भी है आपका कंपाउंड का मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड दिस विल बी द्ट एवर द एंसर यू गेट एट दी एंड दिस दिस विल बी यूर एंसर है ना तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर uh, इसी वे में अगर मैं बात करूं परसेंट क्वल टू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टी एट पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने जो परसेंट निकाल के बताया है और ये आप नेचुरल वाले का लो या आप इसमें सिंथेटिक का लो दैट परसेंटेज इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो ये उन्होंने समझा के बताया है ठीक है तो ये दिस इज दॉ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन नौ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन वेट दिस इज गिवन बाय बाई दाउसर इन अ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और यहां आपको थोड़ा प्रॉब्लम गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लेट मी कम द कैमरा व्यू है ना लॉ ऑफ हम लोग बात करेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन जो हमने बात किया है यहां पर लेके चलते हैं थर्ड लॉ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन सर जॉन डाल्टन ओके तो क्या उनका बोलना है लेट अस कंसीडर मैं आपको समझाता हूं सिंपल वे में इफ कंपाउंड ए है और मेरे पास कंपाउंड बी है कंपाउंड से अच्छा एलिमेंट ए है और मेरे पास एलिमेंट बी है और ये कंपाउंड ये एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके जैसे ए रिएक्ट होके ए प्लस बी आपको ए बी भी दे रहा है और ए प्लस बी आपको ए बी टू भी दे रहा है दैट मींस एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी अंडरगोज रिएक्शन गिव्स अ कंपाउंड तो ये आपके पास कंपाउंड वन मिला और ये आपके पास कंपाउंड टू मिला है ना ए बी और ए बी अब ए बी टू अब इसमें ए तो कांस्टेंट है तो बी से बी टू का रेशियो क्या है इसमें इट इज इन द रेशो ऑफ वन इज टू टू है ना तो ये उन्होंने समझाया तो ऐसे एग्जाम्पल्स कौन से है हमारे पास ऐसा एक एग्जाम्पल है एच टू का एच टू प्लस ओ टू यहां ले लेता हूं ट्वाइस तो ये मुझे मिलेगा ट्वाइस एच टू ओ ठीक है अब यहां अगर मैं बात करूं एच टू और ओ टू एक है ना अब आप आगे चलते हैं हमारे पास ट्वाइस एच टू प्लस ट्वाइस ओ टू अब यहां मिलेगा ट्वाइस एच टू ओ टू है ना ये समझाने के लिए मैंने ट्वाइस लिखा किताब में एच टू प्लस ओ टू ऐसे ही दिया अब देखो ये कॉन्स्टेंट है इसमें या ये भी कॉन्स्टेंट है इसमें आप देखो है ना टॉइस एस टू टॉइस एस टू ये ऑक्सीजन तो का ऑक्सीजन के साथ है ना तो o और टू का क्या रिलेशन है अब कितना सिक्सटीन और ओ टू का एटॉमिक वेट है सिक्सटीन इन टू 2 दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे थर्टी टू अब इसको हम लोग अगर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते तो वन इज टू टू है ना सो दिस इज गिवन बाय लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोल्शन मल्टीपल मतलब बहुत सारे प्रपोल्शन मिलना ए और बी के बहुत सारे प्रपोल्शन होना है ना तो दिस इज टू बी कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोल्शन एंड गिवन बाय डाल्टन हम लोग स्टेटमेंट में आते हैं व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड जैसे ए AB बी और ए बी टू ऐसे एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं एक ए बी बन रहा है और एक ए बी टू बन रहा है द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइन विथ स ऑफ ए आर ऑलवेज इन देशो ऑफ स्मॉल वोलवेज इन द रेशो ऑफ स्मॉल वोल जैसे कि यहां पर हमने बात की वेन टू एलिमेंट ए बी कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड लाइक ए बी एंड ए बी टू देन द अभी यहां पर हम लोग बात करें मासस ऑफ एलिमेंट बी क्योंकि यहां पर चेंज क्या हो रहा है बी वाला एलिमेंट अगर हम लोग यहां पर दूसरी तरह बात करते जैसे कि चेंज ये होता ए बी और ए टू बी तो हम लोग यहां और अलग तरह से बोल सकते थे ठीक है मगर अभी ये नहीं है अभी चेंज भी हो रहा है इसीलिए हम लोग क्या वर्ड यूज लिए देन मासेस ऑफ बी विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ए आर इन अलवेज रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर तो आप यहां देखो देन द मास ऑफ बी लेट अलाउ मी वन मिनिट सो सॉरी फॉर इंटरप्शन वी आर ऑन दॉपिक लाइक लॉ मल्टीपल प्रपोशन एंड दिसोज बाई जॉन डाल्टन सर एंड हम लोग ये बात कर रहे थे कि कंपाउंड ए और बी जब रिएक्ट हो रहे हैं और अगर ए कॉन्स्टेंट है देन हम लोग बात करने वाले बी के बारे में सो द मासिमेंट बी दैट कम्बाइंड विथ ए जो कि कम्बाइंड होने वाला है ए के साथ uh, वो उसका रेशियो अगर हम लोग लेकर निकालेंगे तो इट इज इन अ स्मॉल वोल नंबर लेट सी uh, हमने एस्टो का एग्जाम्पल देखा हम लोग और एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है लेट्स शो आई एम गोइंग टू शो यू ऑन योर सेकंड स्क्रीन जहां पर हम लोग बात करेंगे कि ये एक एग्जाम्पल एक देखो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गोइंग तो टू कंबाइन एन दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन आप यहां पर N2 को भी हम लोग यही लेना पड़ेगा सो एनओ एंड हम लोग यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है ओके लेट मी क्लियर मैं दूसरे पेज पे ही फ्रेशली रिएक्शन लिख के देता हूं आपको क्योंकि हम लोग हाफ क्वांटिटी कभी यूज नहीं कर सकते इसलिए मैंने ये लिखा एन टू प्लस ओ टू गैसियस तो ये बना हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड ओके हम लोग यहाँ पर दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं एन टू प्लस ओ टू हम लोगों को बनाना है NO2 टू है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो इसके लिए हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं दिस बन तो अब आपके पास अगर आप देखो ध्यान से ये, ये और टू। क्या फिक्स है नाइट्रोजन क्या फिक्स है नाइट्रोजन क्या अलग हुआ तो ऑक्सीजन एक जगह ओ है दूसरी जगह ओ टू है कंसिडर करो ये कंपाउंड ए है ये कंपाउंड बी है ए फिक्स है बी तो बी का रेशियो कैसे है ओ कितना है सिक्सटीन और ये ओ टू थर्टी टू स्मॉलेस्ट वन इज टू टू दैट्स इट दिस इज गिवन बाय जॉन डाल्टन सर इन ऑफ हम लोग अगर बात करेंगे इन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोल्शन इन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोलशन क्लियर है चलो आगे चलते हैं uh, यहाँ हमारे पास लॉ uh, है जो कि गैसियस वॉल्यूम के बारे में है यह भी बहुत सिंपल सा लॉ है गेलुजेक्स लॉ जो कि गैसियस वॉल्यूम सो कम टू दॉपिक टॉपिक उक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम वॉट लॉ उल प्रपोज यहाँ पर भी हम लोग गेल साथ अगर बात करें तो उन्होंने बताया था कि अगर मेरे पास गैस कंबाइंड होके केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस प्रोडक्ट बना रहे हैं है ना वेन गैस कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ गैस प्रोडक्ट वेन गैसेज कम्बाइंड और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन यानी गैसेस के बारे में बात चल रही है यहां पर हम लोग बात करेंगे वेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन डू सो इन सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेसर एट सेम टेम्परेचर इसको मैं और सिंपल वे में अगर समझाने की कोशिश करूं आपको तो यहां पर मैं समझा सकता हूं कि uh, गेल उजैक सर का बोलना क्या था कि अगर आपके पास गैसेस है ओके okay, और गैस है ये कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट भी गैसियस है ओके okay? यहां किसी रिएक्शन के अंदर गैसियस प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है है ना प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है अब ये सिंपल ध्यान में रखना है कि ये सब चीजें कब होना है जब आपका टेम्परेचर सेम हो या ड्यूरिंग दैट रिएक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट हो वाई इज इट सो? क्योंकि टेम्परेचर पे गैसेस का वॉल्यूम बहुत हद तक डिपेंड करता है बहुत हद तक यानी डिपेंड करता ही है ओके तो क्या बोलना है कि अगर मैंने H2 टू गैसियस लिया और उसको रिएक्ट किया O2 टू गैसियस के साथ तो हमें मिलेगा H2O टू ओ गैसियस है ना तो ये समझाया उन्होंने वेपर वाटर वेपर के बारे में बात करें तो यहाँ आपको लगने वाले हैं टॉइस एस टू और यहां टॉइस एस इतना सिंपल से वे में उन्होंने समझा के बताया तो इसका वॉल्यूम अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि मैंने एक समझ के चलो एक कप सेम कप हम लोगों ने वॉल्यूम क्योंकि ये गैसेस वॉल्यूम है इतना वॉल्यूम भर के एक कप भर के मैंने हाइड्रोजन लिया एक कप भर के मैंने ओ टू लिया तो कितना पानी बनने वाला है है ना तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने कप यहां पर वाटर बनेगा क्योंकि ये कप से आपने कितने लिए थे दो तो दो ये ऑक्सीजन आपने लिया वन कप और ये दोनों को जब मिक्स करके ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये टू कप बनेगा इट इसको समझाने के लिए और हम लोग अगर बात करें सो लेट कंसीडर दिस इज हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है यहां पर ठीक है ये ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एच टू एच टू है ये इन द फॉर्म ऑफ ओ टू ओ टू है ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो यहाँ पे आपको एच ओ एच ऐसे कंपाउंड बनेगा एच एच ये वाले साइड में आपके कंपाउंड बनेंगे सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ गेलूज लॉ जो कि गैसियस वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं अब यहां उन्होंने बताया कि ये अगर इसको रेशियो लिखना है आपको तो क्या लिखोगे इसका रेशियो इसका रेशियो है टू इस टू वन इस टू टू है ना ऐसा सिंपल से वे में हम लोग रेशो लिखेंगे तो अब यहां पे बहुत जरूरी चीज थी कि आपको सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होना जरूरी है so this is the way the Gay-Lussac's law uh, state that ki when hum log yahan par fir se dekhte हैं when gases combines or produce in a chemical reaction they do so in a simple ratio by their volume तो so, ये combine हो रहे हैं और किस वे में हो रहे हैं in a simple ratio आप their volume volume के simple रेशों में हो रहे हैं कोई volume 50 है तो कोई 100 है तो कोई like 150 है वन इज टू टू इज टू थ्री सिंपल रेशियो में होंगे है ना यू नॉट से दैट लेट अस कंसीडर इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल बता देता हूं कि uh, ये ऐसा नहीं बोल पाएंगे हम लोग जैसे कि एक हम लोग ले रहे हैं फिफ्टी एक हम लोग ले रहे सेवेंटी फाइव एक हम लोग ले रहे हैं तो इसको आप सिंपल वे में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो इस वॉल्यूम को है ना वन मगर ये हम लोग बोल सकते ट्वेंटी फाइव फिफ्टी और सेवेंटी फाइव यू कैन से दैट तो दिस दिस इज दी दी ओबेज गैसियस लॉ बट दिस ये नहीं कर पाएंगे हम लोग इसको सिंपल इसमें है ना सो दिस इज वे तो ये हम लोग बात करेंगे यहां पर हमारा हो गया रिगार्डिंग दी गैसियस लॉ है ना अब आगे चलते एक यहां एक चीज दी है उन्होंने कि गे लुजेक्स लॉ जो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्कवर द इंटीजर रेशो इन अ वॉल्यूम रिलेशनशिप एग्जैक्टली ये क्या है इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय गैसियस वॉल्यूम तो ये स्टेटमेंट आपको सी में पूछे जाने के चांसेस है कि इसका मीनिंग क्या होता है तो एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय गैसियस वॉल्यूम इज नथिंग बट गे लुजेक्स है ना तो यही इंटीजर को हम लोग यहाँ पे आ, बोल सकते हैं कि विच इज डेफिनेट वॉल्यूम है ना डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम इज लॉ नाउ आगे चलते हैं है एवेग्रोलॉगेड्रोलॉ सर ने क्या बताया लेट मी पहले यहां देख लेते हैं सर ने क्या बताया ये देखो लॉ बहुत ही सिंपल है ये एक कंटेनर है ठीक है अब ये सेम साइज के कंटेनर है सबका वॉल्यूम हम लोग अगर बात करें 22.4 लीटर है इतना सबका वॉल्यूम सेम साइज के है ठीक है सेम साइज के है। अब इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन भरा ठीक है इसके अंदर ऑक्सीजन भरा और इसके अंदर मैंने नाइट्रोजन भरा ठीक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और भरते वक्त हमने सबका प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा प्रेशर और टेम्परेचर सबका सेम रखा तो क्या होगा यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर हमने सेम रखा ठीक है सो लेट मी शो यू अगेन तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि मैंने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है यहां पर तो सर का बोलना क्या है कि अगर आपके पास वॉल्यूम सेम है आपने एक टेम्परेचर और एक प्रेशर पे अगर इसको भरा गया है तो सबके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम है वो सेम है भले ही उसके अंदर भरने के बाद इसका वेट अलग इसका वेट अलग इसका वेट अलग होगा जैसे इसके अंदर मैं बात करूं ट्वेंटी टू पॉइंट फोर के अंदर वन मोल मॉलिक्यूल्स होंगे इसका मतलब सिक्स पॉइंट टू टू इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे है ना तो ये अवगडरो लॉ ने बताया इतना सेम इसके अंदर उतने ही होंगे वन मोल और उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के भले ही इसका वेट दो क्योंकि हाइड्रोजन है, है इसका दूसरे वाले का वेट हम लोग यहाँ लिख देते हैं थर्टी टू और इसका हम लोग बात करूंगा ट्वेंटी एट वेट भले ही अलग होंगे मगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे तो उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे जैसे कि हम लोग और आगे यहां पे बात करते हैं यहां हम लोग आ जाते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ये हंड्रेड एम का बीकर है ये हंड्रेड एम का बीकर है ये हंड्रेड एम का बीकर है बीकर की कैपेसिटी हंड्रेड हंड्रेड एम है तो अगर इसमें हम लोग सेम टेम्परेचर पे गैस भरने की कोशिश करेंगे तो इसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही इसमें होंगे और उतने ही इसमें होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे भले ही इनका वेट डिफरेंट होगा मगर उस नंबर ऑफ वॉल्यूम में सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे भरे जाने वाले गैस सेम मॉलिक्यूल होंगे तो यहां पर क्या बताया देखो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने अभी यही बात की इक्वल वॉल्यूम है टेम्परेचर और प्रेशर सेम है ओके इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमने बात किया कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल है यहाँ मॉलिक्यूल सेम है ओके सो दिस इज वी हैव लॉ ये हमने यहाँ पे समझाया ठीक है नाउ दिस आल्सो वी हैव सीन अब डाल्टन एटॉमिक थेरी है इसके लिए मेरा और एक वीडियो बनाया है आप उसको देखो आज और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग इसी के साथ चल लेंगे ऐसे ही मैं आपको इलेबरेट करूंगा ओके okay?